हेलो गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल वाटर की यानी कि साफ पानी की मेरे पास यहाँ पर एक बोतल है जो कि बिल्कुल सादा सा पानी है। यहाँ पर मेरे पास एक साथ ही साथ एक नेल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इस पानी के साथ गाइस आज हम कुछ इस तरह करने वाले हैं। गाइस आप लोगों ने नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम बॉटल के अंदर होल कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से पानी निकल आता है। तो गाइस आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अगर हम इसके अंदर होल कर देते हैं और इसकी ऊपर से कैप को टाइटली इसे बंद कर देते हैं तो फिर क्या इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा या नहीं। और दूसरी चीज़ आज हम इस वीडियो में ये ट्राई करेंगे, क्या इसकी कैप को ओपन करके जब मैं इसे ऊपर से नीचे फेंकूंगा और इसके अंदर होल भी हुए होंगे तब क्या नीचे फेंकते वक्त इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा या नहीं, क्या इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी या नहीं। तो चलो इसी वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें जान लो। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अभी मैं इस नेल की मदद से इसके अंदर होल कर लेता हूँ। गाइस सो गाइस अब इस बोतल के अंदर मैंने यहाँ पर एक होल ये किया है, एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर, मैंने टोटल इसके अंदर 4 होल कर दिए हैं। अब इस बोतल को मैं दोबारा से फिल करके देखते हैं कि क्या इसकी कैप जब ओपन होगी तब इसके बाहर पानी निकलेगा या जब इसकी कैप बंद होगी तब निकलेगा। तो चलो देखते हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो उनसे 3 होल किए हैं, यहाँ पर ऊपर से इसकी कैप बंद है फिर भी इसके अंदर से जो सा पानी निकल रहा है, जो सा सबसे बॉटम वाली साइड है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर उससे कम है फिर यहाँ पर उससे भी कम है। और यहाँ पर अभी मैं अगर इस कैप को ओपन कर दूँ तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो सा प्रेशर है ये भी थोड़ा सा तेज़ हो चुका है और ये पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और अभी मैं अगर इसकी कैप को फिर दोबारा से यहाँ पर अभी बंद कर देता हूँ तो ये जो सा इसका प्रेशर है ये कम हो चुका है और ये जो सा है ये भी थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये बिल्कुल बंद नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर देखें अभी भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है और यहाँ पर ये इसकी कैप बंद होने से इसके ऊपर गाइस कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर देखें मैं इसकी कैप बंद भी कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैं इसकी कैप बंद कर देता हूँ और अब देखें यहाँ पर ये बाहर फिर भी निकल रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। सो गाइस अब आप लोगों ने देख लिया कि इसकी कैप बंद करने से शायद कुछ असर पड़ता हो, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने ट्राई किया, यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने ट्राई ये करनी है कि गाइस अभी मैं इसे दोबारा से इसे यहाँ पर इस बोतल को फिल करूँगा और इसके अंदर वैसे ही 4 होल्स हुए हैं और इन 4 होल्स को गाइस यहाँ पर मैं दूर जाके मैं इसे ऊपर से नीचे गिराऊंगा और आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर तो पानी गिर रहा है लेकिन जब ये नीचे गिर रही होगी तब क्या इसके अंदर से पानी निकलेगा या नहीं। यहाँ पर तो ये ग्रेविटी की वजह से है लेकिन क्या जब ये गिर रही होगी तो तब इसके अंदर से पानी निकलेगा या नहीं, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है। तो चलो मैं इस दोबारा से इस पोर्टल को फिल करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर से पानी निकलता है या नहीं। तो गाइस शायद आप लोगों ने नोट ना किया हो लेकिन इसे मैं फिर बार एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पर। मैंने देखा है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अंदर से पानी निकल रहा है लेकिन अभी मैं इसे नीचे गिराऊंगा तो इसके अंदर से पानी रुक जाएगा। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।